बैक टू माई टू चैनल कुकिश अविना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। पहली टिप्स है हमारी खीरे को लेके। खीरा हम जब सैलड बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा घिसते हैं और उसका कड़वाहटपन निकालने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आप जब भी खीरे को कट करें तो बीच में से कट करें, ये आपको इस तरह से घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका सैलड 2 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा और आपको घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। आप इस तरह से इसे कट कर लें और बस छील के इसके, अगर आप ऐसे खाना चाहते हैं तो ऐसे ही, और छील के खाते हैं तो छील के इसको सैलड बना लें और बहुत जल्दी से आपकी सैलड बनके रेडी हो जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। अगर टिप्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जल्दी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर हमारी जो टैब होती हैं बाथरूम्स की, रसोई वगैरह की, बहुत सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाती हैं। जैसे कि हम जिनके घरों में उसका पानी आता है समरसीवर का, उनके घर में तो खासकर ये ज़्यादा होती है। तो देखिए ये इस तरह से वाइट हो चुकी है। हम एक टूथब्रश पे पेस्ट लगा लेंगे, कोई सा भी पेस्ट जिससे आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं दांतों के सफाई के लिए, और इस तरह से इनको साफ़ कर लेंगे। हफ्ते में एक बार आप ऐसा करें और आपकी ये चमकदार बनी रहेंगी और साफ़ भी रहेंगी, इस तरह से चमक आती रहेगी। ये बिल्कुल भी पुरानी नहीं लगेंगी आपको। ये बहुत ज़बरदस्त टिप्स है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर आज़माइएगा। आज़माई भी टिप्स है मेरी। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारी साफ़ कर ली है। अब इनको पानी से साफ़ कर लूँगी और फिर मैं इनको पानी से आराम अच्छे से धो लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से, ये वैसे तो चमक चुकी हैं पर हम आपको एक टिप्स और बताएंगे जिससे कि ये आपकी चमकती रहेंगी और इन पर इस तरह से पानी भी नहीं ठहरेगा और आपको आगे से इस तरह से साफ़ करना नहीं पड़ेगा। बस आप कपड़े की मदद से साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए ये कपड़े से मैंने साफ़ कर ली हैं और ये कितनी चमकदार बन गई हैं। इस कपड़े से अच्छे से सुखाने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ये देखिए कपड़े से कितनी चमक चुकी हैं, ये देखिए कितनी शाइनिंग आ गई है और कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो पेस्ट हमें दांतों के लिए और भी फ़ायदेमंद होता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए हम और भी उससे कई चीज़ें चमका सकते हैं अपने किचन की, बाथरूम्स की। ये देखिए कितना इफ़ेक्ट पड़ा है और कितने अच्छे से ये क्लीन हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, कोई भी चिकनी चीज़ लगानी है, जैसे ऑयल हो, वैसलीन हो या मॉइस्चराइज़र क्रीम हो, कोल्ड क्रीम हो, आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने ऑयल लगाया है जिससे कि इस पे पानी नहीं ठहरेगा और ये बूंदों के पानी के निशान वाइट नहीं पड़ेंगे इस पे और ये क्लियरली साफ़ हो जाएगी। ये टिप्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइएगा। इसके तेल ऑयल लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ दूंगी इसकी चिकनाहट इस पे बनी रहेगी तो ये इस पे पानी नहीं ठहरेगा और इस तरह से बूंदें नहीं बनेंगी। कितनी क्लीन हो गई है और ऑयल से इसका आगे से हमारा बिल्कुल भी इस पर पानी नहीं ठहरेगा। आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर हम जर्दे के रंग की वगैरह की कोई चीज़ें बनाते हैं या कोई भी रंग वाली चीज़ डाल देते हैं और उसमें हमारे हाथों पे वो लग जाता है अगर हम हाथों की मदद से घोलते हैं। तो इस तरह से हम जब भी करें तो हमारे हाथों पर रंग कलर लग जाता है। जैसे किसी हम कुछ चीज़ छीलते हैं तो हमें कोलगेट लगा लेना चाहिए अपने हाथ पर। इस तरह से मैं कोलगेट लगाऊँगी और आप देखेंगे ये मिनटों में साफ़ हो जाएगा मेरा हाथ। जर्दे का रंग हो या किसी और चीज़ का भी रंग हो, आप कोलगेट लगा के उसको क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। टूथब्रश पेस्ट की मदद से हमने कितने आसान तरीके आपको बताए, ये देखिए। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी मिल जाए, और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। माय ट्यूब चैनल को क्विश अबीना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक तरीका। आप कोल्ड ड्रिंक तो पीते ही हैं, सभी पीते हैं, और आप उसका आज एक कमाल देखिए। चलते हैं टिप्स की तरफ। एक साबुन ली है मैंने, आपके घर में जो भी नहाने वाला साबुन हो आप वो ले सकते हैं। उसको कद्दूकस से घिस लें, कद्दूकस से ही घिसें, छुरी से ना घिसें, क्योंकि वो फिर उसमें ज़्यादा बड़े डॉट हो जाएंगे और आपको रेमेडी बनाने में मुश्किल होगी। तो ये ज़बरदस्त तरीका आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाला है। उसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये मैंने इस तरह से ये घिस ली है, ये देखिए लग रही है ना गाजर जैसी।
मैंने पूरी साबुन को इसी तरह से घिस लूँगी। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें अपनी ये ग्रेट की हुई हम सारी साबुन उसमें ऐड कर देंगे। हमने सारी साबुन ऐड कर दी है। अब मैं इसमें कोल्ड ड्रिंक ऐड करूँगी। हाफ लीटर ये कोल्ड ड्रिंक है और मैं इसमें आधी कोल्ड ड्रिंक ऐड कर दूँगी। देखिए अब पानी में बॉईल आने देंगे और हाँ, एक कप हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे और एक स्पून नमक और इस तरह से इसको मेल्ट होने देंगे, लगातार पकने देंगे। जब ये दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे, हमारा साबुन और कोल्ड ड्रिंक, तब तक हम इसको पकने देंगे। ये देखिए बस ये पक ही गया है, 5 से 7 मिनट में ये रेडी हो गई है। ये इतनी अच्छी और इतनी यूज़फुल वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आप भी इसको इस्तेमाल करके ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड में इस्तेमाल करें, मेरे पास नहीं है और मैं कटोरी इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से मैं कटोरियों में ऐड कर दूँगी और उसको रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी जमने के लिए। हमें इसका साबुन बनाना है और इस साबुन का मैं आपको इस्तेमाल दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूनिक साबुन बनके ये रेडी हुआ। ये देखिए एक साबुन से मैंने ये 3 बना ली। आप छोटे मोल्ड ले सकते हैं तो ज़्यादा भी बन सकते हैं आपके। जिस कढ़ाई में ये मैंने फ्रीज़र में रख दी है, जिस कढ़ाई में मैंने बनाया ये, मैं आपको इसी से वॉश करके दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा काली हो चुकी थी पर किसी हद तक ये साफ़ हो चुकी है। खूब अच्छे से स्क्रब करेंगे और अच्छी सी वॉश कर लेंगे। पानी से आपको वॉश करके दिखा देते हैं। चलिए देखिए अब हमारा ये, मैंने इनको 7 से 8 घंटे रेफ्रिजरेटर में रखा, इनको बर्फ़ की तरह जमाया है। देखिए ये बिल्कुल जम चुकी है। अब मैं आपको इनको निकाल के दिखाऊंगी। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत आराम से निकल के रेडी हो गई है। इस साबुन से आप एल्युमिनियम के काले जले बर्तन, कढ़ाई वगैरह, कुकर, जो भी आपके घर में गंदा काला हो गया हो, आप उसको साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूनिक तरीका है और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल भी हो जाता है। देखिए मैं आपको कुकर को साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना काला हो रहा है और अभी मैं आपको दिखाऊँगी ये कितना साफ़ और हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीका, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी ये जले, आपके घर में जो जले वगैरह बर्तन हो, और बर्तनों पर शाइनिंग भी बहुत आ जाती है। एक कोल्ड ड्रिंक का कमाल देखिए। कोल्ड ड्रिंक इसीलिए नुकसानदायक होती है। कोल्ड, ये देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लीन करके इसको दिखाऊंगी अभी धोके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छा साफ़ हो चुका है। मैं आपको ये एल्युमिनियम का बर्तन भी धोके दिखाऊंगी। ये बिल्कुल काला हो चुका था और इससे मैंने इसको मांजा और ये इसको इतना साफ़ हो गया, बिल्कुल चमकने लगा। आप भी इसको इस्तेमाल करके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और ये आपकी 3 साबुन बन चुकी हैं। आप इसको आराम से बर्तन धो सकते हैं अपने। तवा भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तवा भी आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। आप इससे किसी भी तरह का बर्तन धो सकते हैं। देखिए कितना अच्छा और कितना शाइनिंग मार रहा है एल्युमिनियम का बर्तन। अब ये देखिए तवा कितना गंदा हो चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तवा भी कितनी आसानी से साफ़ हो जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी और ये क्लीन हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो बआसानी मिल जाए। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।